नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हरियाणा की खास खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जनता के टैक्स के पैसों को पानी में बहा रही बीजेपी। हरियाणा के दो जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 2.5 फीट पानी भरा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को तोहफा, HKRN कर्मचारियों के वेतन में की 8% की वृद्धि। हरियाणा में पूर्व बीजेपी विधायक ने अफसरों को लुटेरा बताया, कहा जो भी आता है अब्दाली की तरह लूट कर जाता है। हरियाणा में अस्थि विसर्जन कर लौट रहे 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने MMMIY के तहत 3 लाख रुपए तक के मुफ्त किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट को प्रदान की स्वीकृति। रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित ने कहा, नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य आरोपी को सजा नहीं, पीड़ित को न्याय दिलवाना है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा, अब देश व प्रदेश में एक नारा चलेगा, सुरक्षा नहीं तो टैक्स नहीं। अंबाला SP सुरेंद्र सिंह ने कहा, हरियाणा में अपराध पर लगेगा अंकुश, नए कानून के तहत होगी कार्रवाई। रेवाड़ी में सेना के पूर्व जवान पर जानलेवा हमला, लाठी डंडों और कस्सी से किया सिर पर वार। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस के लोगों ने काले बिल्ले लगाकर किया भाजपा सरकार का विरोध। 3 जुलाई से आरंभ होगी बोर्ड की परीक्षाएं, नकल रहित व सफल संचालन हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।